रहे हैं, कोर्ट के बारे में सुन रहे हैं, ऑकस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया यूके अमेरिका के को जोड़कर ये ऑकस बनाया गया, लेकिन ये किस तरह से चीन पर शिकंजा कसने का एक बहुत बड़ा और मजबूत हथियार है इसके बारे में बताइए, और कोर्ट की महत्ता कैसे आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी उसके बारे में भी जरा रोशनी डालिए। देखिए, ऑकस का एक अलग अहमियत है और मुझे नहीं लगता कि ऑकस और कोर्ट जो है एक दूसरे से कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है। दोनों अलग अलग, उनका जो सो एम है बिल्कुल अलग है। ऑकस बड़ा क्लियरली एक मिलिट्री ब्लॉक है और वो जाहिर बात है कि चीन की की जो हेजेमनी है इंडो पैसिफिक में उसको थ्रेटन करेगा, उनको वो बैलेंस करेगा। क्वाड जो है, क्वाड मैंने जैसे पहले कहा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की परिभाषा आपके दर्शकों को बताऊं तो स्ट्रेटेजिक अलायंस में काफी आयाम होते हैं। एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, दूसरी बात है क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हैं, तीसरी बात है इंटेलिजेंस शेयरिंग। ये तो जो 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 भी वो ऐसा नहीं है कि खाली मिलिट्री अलायंस है कि कल अगर कोई युद्ध की स्थिति आए तो वो क्वाड के जो 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 क्वाड की सेनाएं हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगी, ऐसा नहीं है। पर इंटेलिजेंस शेयरिंग हुआ, एक दूसरे को चेताना कि आपको इस देश से ये खतरा है। अब जैसे अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में जाहिर बात है पाकिस्तान का जो एक रोल रहा है पूरा विश्व इसको जानता है, क्वाड इसको भली भांति जानता है, और क्वाड के जो देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये चारों मिलकर आप पाकिस्तान पर नजर भी रखेंगे और अफगानिस्तान के लिए एक ज्वाइंट रणनीति भी बनाएंगे। एक इसका ये तो मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटेजिक आयाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोविड हुआ, कोविड के अंदर भी अब जब चारों देश के जब राष्ट्रपति मिलते हैं तो वो एक डायरेक्शन देते हैं अपने अपने देश के जो और मंत्री होते हैं अफसरों को कि यहाँ से क्वाड का जो रोड मैप है ये होगा। तो इस जो ये मीटिंग होगी, क्वाड की समिट होगी, इसमें क्वाड का रोड मैप तय किया जाएगा, कैसे हम आपस में इसको सुदृढ़ बनाएंगे, कैसे हम चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का मुद्दा हो उसके जूझेंगे, और भी कोई मुद्दा है अगर चाहे, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन उसका एक अभिन्न बात है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वाड मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इस बीच आज शाम की जो तस्वीरें हैं उस पर भी गौर करना जरूरी है, दो महाशक्तियों के बीच साझा बातचीत की 5 तस्वीरें जरा देख लीजिए। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आज अमेरिका के 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, और इस दौरान पीएम मोदी ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल और ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीवन श्रॉड्समैन से मुलाकात की है। जिन लोगों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की उनमें 2 भारतीय सीईओज भी शामिल हैं, जिनमें एडोबी के शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल शामिल हैं। मुलाकात की सबसे खास बात यह रही कि सभी अमेरिकी कंपनियों के सीईओज ने भारत अमेरिका साझा व्यापार को लेकर अपना बेहद सकारात्मक रुख दिखाया है, और इतना ही नहीं सभी सीईओज ने भारत को निवेश के लिए बड़े बाजार के तौर पर आंका है। और पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक